Hi friends, how are you all? Today I want to say you hi. Now my kids' summer vacation have started, so we have planned for a trip which is surrounded by nature, and it's a very beautiful place called Oklahoma. तो अभी मैं यहाँ से आपको कुछ इंग्लिश में और कुछ हिंदी में बताना चाहती हूँ, बिकॉज मैं उनको भी कनेक्टेड फील कराना चाहती हूँ जो मेरे कंट्री से हैं, जो हिंदी में बात करना पसंद करते हैं. तो मैं ऑल ओवर आपको मिक्स लैंग्वेज में अपना ये ट्रिप बताऊँगी. हम लोग डैलस में रहते हैं जो टेक्सास स्टेट में आता है. यहाँ से हम ओक्लाहोमा के लिए निकले हैं, जो यहाँ से लगभग 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है. और वेदर इतना ब्यूटीफुल है कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लू स्काई आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर रोड्स हैं, ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई इसको कैप्चर करते हुए. तो काफ़ी अच्छा सराउंडिंग्स हैं और ड्राइव भी बहुत अच्छी है. यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं मैकडी में, तो मैंने सोचा एक रील बनाई जाए, आप लोगों को सबको सराउंडिंग्स दिखाई जाए. काफ़ी अच्छा स्टॉपेज था ये. और जब तक मेरे किड्स मैकडी से अपने लिए कुछ ले रहे थे, मैंने सोचा क्यों नहीं क्विक रील बनाकर और क्विक वीडियो बना के सराउंडिंग दिखा के और उसमें कुछ म्यूज़िक डाल के आपको थोड़ा एंटरटेन किया जाए. तो इसके बाद हमने मैकडी से सामान लिया, फिर हम आगे बढ़े. लेट्स गो. हम लोगों को सभी को म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो कार में हम जब भी जाते हैं तो म्यूज़िक काफ़ी अच्छा अपने अपने पसंद का लगा के जाते हैं, और थोड़ा तेज़ भी करते हैं क्योंकि कभी कभी आपका मन होता है कि तेज़ म्यूज़िक सुनने का लॉन्ग ड्राइव पे, बट इतना भी नहीं करते कि किसी और को परेशानी हो, तो उस चीज़ का हम ज़रूर ध्यान रखते हैं. तो ये हमारी रोड अब चलती जा रही है. हमने कुछ खाया पिया मैकडी से, कॉफ़ी ली, बर्गर लिया, फ्राइज लिए, क्योंकि हेल्दी ऑप्शन इतने जल्दी मिलता नहीं है मैकडी पे, तो हम लोगों को ये फास्ट फूड लेना पड़ा. ऑब्वियसली बच्चे जब निकलते हैं घर से तो उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए खाने को, राइट? इवन आप घर का बना के लाते हो तब भी. आप क्या क्या कहना है? आई थिंक हम लोग 1 घंटे के रास्ते पे आ चुके होंगे अपने घर से, और हमने कुछ कुछ पेट पूजा भी कर ली है, तो चलते हैं फिर कुछ कुछ म्यूजिक सुनते हैं, इंजॉय करके अपना वेदर देखकर और ग्रीनरी देखकर. देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस ली हैं काउस की. ये नियर बाय सारे फार्म्स हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी एरिया ओपन एरिया होता है. और आप देख सकते हैं मैकडी का कुछ सामान हमारी कार में भी रखा हुआ है, और ओपन एरिया में जब आप देखते हैं तो वहाँ फार्मिंग काफ़ी नज़र आती है. और यूएसए जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेचर में बसा हुआ है, वी कैन से. काफ़ी पेड़ होते हैं यहाँ पे, काफ़ी रिवर्स होती हैं, पानी होता है, और आसपास जो लोग होते हैं जो बीच बीच में यहाँ पे विलेजेस पड़ते हैं, तो वो ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं. इंडिया में भी ऐसे ही किया जाता है, बट मैं ये कैप्चर करके आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा सभी जगह होता है, तो आप मान सकते हैं इसको ये वीडियो देखकर. यहाँ पे एक बहुत अच्छी नहर पड़ी है बीच में रास्ते में, हम एक ब्रिज से गुजर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये पानी का भी सीन आपको दिखाया जाए. तो मेरे बच्चों ने कुछ डॉक्टर पेपर लिया है वहाँ से ब्रेक में, फिर से एक ब्रेक लिया है हम लोगों ने वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए. तो ये देखिए मेरा बेटा आपको कुछ कुछ दिखा रहा है कि उसने क्या क्या लिया है. डॉक्टर पेपर उसको बहुत पसंद है, हालांकि हम लोगों को टेस्ट उसका इतना अच्छा लगता नहीं है, तो वो लोग मानते तो है नहीं, लेकिन हाँ सबका अपना अपना चॉइस होता है. बट या उसका टेस्ट थोड़ा सा वियर्ड होता है, बट उसका चेरी टेस्ट आई लव इट. और आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे बच्चे बहुत फन करते हैं रास्ते में जाते टाइम, लाइक कुछ 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 बोलते रहते हैं, कुछ कुछ ब्लॉग बनाते रहते हैं, तो मैंने उसमें इंक्लूड किया है. और वो आपको ये दिखा रहे हैं कि ये डार्क बेरी टेस्ट है जो उन्होंने लिया है अपना डॉक्टर पेपर का, और वो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को पसंद आया जब इन्होंने पिया बाद में. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर एक बार टेस्ट करें तो
कर सकते हैं, क्योंकि आई डोंट नो कि आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, बट या वी शुड ट्राई एवरीथिंग वंस, राइट। तो यहाँ खाने पीने का फिर से मामला स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं ये कब तक चलता है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये लोग कुछ तो वेफर्स या चिप्स निकाल रहे हैं अपने लिए, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। मेरे बच्चों को और मुझको और पूरी फैमिली को ही कह सकते हैं कि जब भी ट्रैवल करते हैं तब हर दो मिनट पे हम लोगों को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि जिससे कि हम लोग का टाइम भी पास होता है और अच्छा भी लगता है अपने आप को ऑक्यूपाइड करना किसी ना किसी चीज़ में। तो चाहे आप थोड़ा बहुत वेफर्स ले लें या स्नैक्स ले लें, साथ में म्यूज़िक के साथ आप अपना लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, तो मुझे तो लगता है हर किसी को ही पसंद आता होगा जो भी ट्रैवलिंग पसंद करते हैं या लॉन्ग ड्राइव पसंद करते हैं। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हम लोग खाते पीते चल ही रहे हैं। उसने मुझे बेरी टेस्ट कराया है जो डॉक्टर पेपर का है, मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगा इस बारी, तो इसीलिए मैं ऐसे रिएक्शंस दे रही हूँ। और चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी खाने पीने के साथ और म्यूज़िक के साथ, देखते हैं हमारी डेस्टिनेशन कितनी देर में आती है। गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हैं वीडियो में ग्रीन दिख ही रहा होगा आपको, ट्रीज वगैरह। टेस्ट करने के बाद मैंने डॉक्टर पेपर अपने बेटे को दे दिया है, क्योंकि मैं तक कोल्ड ड्रिंक्स कम ही पीती हूँ, स्पेशली डॉक्टर पेपर। तो उसका कमेंट ऑब्वियसली यही होगा कि आई डोंट दीज गाइज लाइक डॉक्टर पेपर। You guys have fun.